Please subscribe to my channel Mehak in the Kitchen and press the bell icon for more latest videos. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ अंडे वाले बिस्किट, इसे एग कुकीज़ भी कह सकते हैं। मैंने उसके लिए लिए हैं दो एग्स, इसे मैं अच्छी तरह से विक्स कर लूँगी। ज़्यादा नहीं करना है, बेशक थोड़ा सा कीजिएगा। उसके बाद अब मैं इसमें पाउडर शुगर डालूँगी। ये मैंने हाफ कप लिया है पाउडर शुगर। अब मैं इसे फिर अच्छी तरह से मिला लूँगी। इसमें शुगर अच्छी तरह से डिसॉल्व करने के बाद मैं इसमें वनीला एसेंस डालूँगी। इसमें देखिए चीनी डिसॉल्व हो चुकी है। अब मैं हाफ टी स्पून इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सॉल्टेड बटर नहीं होना चाहिए। मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ घी डाला है और इसे मैं फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें 1 कप मैदा डाल रही हूँ। इसे मैं पूरा एक साथ नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने हाफ डाला था, अब मैं हाफ और डाल रही हूँ। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देखें इसका टेक्सचर, ये देखें। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालूँगी और इसे फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है, ये देखें। अब मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ, आप चाहें तो कोई सा भी डाल सकते हैं। मैं ये 1 पिंच लिया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। आप येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। देखें इसकी कंसिस्टेंसी यही रहनी चाहिए। कलर भी देखें कितना खूबसूरत आया है। हम इसे एक बॉटल में डालेंगे। मैं इस तरह से इसे बॉटल में डाल रही हूँ। आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं जो आपको अवेलेबल हो। मैंने इस बॉटल में डाल लिया है इसे, देखें इस तरह। मैंने एक पतीला लिया है, उसमें मैंने नमक डाल कर रख दिया है। अब मैं इसे कवर करके 10 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दूंगी। हमने पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया है, तब तक हम इसको ग्रीस कर लेते हैं क्योंकि हमें इस पर कुकीज़ बना कर रखने हैं। आप कोई भी ढक्कन वगैरह या कोई भी चीज़ आपके पास प्लेट हो तो आप उसे ले लीजिएगा और इस तरह से इसे ग्रीस कर लीजिएगा।
ताकि उस पर कुकीज़ चिपके ना, और जब हम उसे उतारें तो वो ईजी उतर जाएँ। देखें इस तरह से, और हम इस पर कुकीज़ रखेंगे। तो देखें इस तरह से अब हम बिस्किट की लेयर लगाएंगे इस पर। आप चाहें तो किसी भी साइज़ के बना सकते हैं, छोटे बड़े या आप जैसे भी पसंद करते हैं। ये छोटे साइज़ के ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं छोटे ही बना रही हूँ। आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं। देखें इस तरह से मैं सारे बना लूँगी। ये देखें मैंने इस तरह से सारे बिस्किट इस पर लगा लिए हैं। अब मैं इसे पतीले में रखूँगी। अब मैं इसे आराम से पतीले में रख दूँगी और इसे मीडियम फ्लेम पर कवर करके 25 मिनट्स बाद मैं इसे चेक करूँगी। तो यहाँ पर 25 मिनट्स हो चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है इसमें। अब हम इसे निकाल लेंगे। मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। 5 मिनट बाद मैं इसे प्लेट पर से निकाल लूँगी। ठंडे होने के बाद ये क्रिस्पी हो जाएंगे। इसी तरह से हम सारे बिस्किट्स बना लेंगे। ये देखिए ये ठंडे हो चुके थे, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। रेडी हो चुके हैं अंडे वाले बिस्किट्स। अब इनको शाम में चाय के साथ खाएं, नाश्ते में खाएं, बहुत ही मज़ेदार बिस्किट्स लगते हैं ये। ये देखें कितने अच्छे, कितने क्रिस्प बने हैं। ये देखें, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल महक इन द किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।